जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडला रेल मार्ग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आप लोगों को बताते चलें कि सिवनी क्षेत्र में चल रहे ब्रॉडगेज निर्माण कार्यों में अब तेजी आ चुकी है और काफी तेजी से निर्माण कार्य चल भी रहे हैं। इसी बीच आप लोगों को बता दें, अभी हाल ही में 12 फरवरी के आसपास सिवनी जिले में ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछने के बाद पहली बार मालगाड़ी चली। चलिए आप लोगों को बताते हैं मालगाड़ी किस कारण से चलाई गई, मालगाड़ी में क्या था, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे और इसके साथ ही लाइव कवरेज वगैरह भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडला रेल मार्ग के चौरे से पीपाडाही व नैनपुर से भोमा सिवनी, ये दो रेलखंडों में पहली बार मालगाड़ी चलाई गई। मालगाड़ी चलाने का कारण क्या था ये आप लोगों को बताते हैं। देखिए पहले सेक्शन में यानी कि नैनपुर से केवलारी पलारी भोमा सिवनी तक पहली बार मालगाड़ी चलाई गई। ये मालगाड़ी डीजल लोकोमोटिव के साथ 15 बॉबिन रैक्स, जिन्हें ब्लास्टर रैक भी कहते हैं, ये रैक्स फुल्ली लोडेड थे जिनमें गिट्टी भरी हुई थी। और ये मालगाड़ी चलाने का कारण ही यही था कि रेलवे ट्रैक में तेजी से गिट्टी फिलिंग की जा सके। मालगाड़ी के ये रैक्स चलते हुए ट्रैक में गिट्टी की फिलिंग करते हैं। लाइव कवरेज आप वीडियो में देख सकते हैं। मालगाड़ी आ रही है, दोस्तों ये मालगाड़ी लगातार 12 फरवरी से दिन में ट्रैक पर गिट्टी फिलिंग करती है और शाम को भोमा रेलवे स्टेशन में रेस्टिंग लेती है। इसी प्रकार दूसरे सेक्शन में यानी कि चौरे सिवनी सेक्शन में भी दूसरी मालगाड़ी गिट्टी फिलिंग करती है। ये मालगाड़ी सिर्फ चौरे से चलकर पीपाडाही रेलवे स्टेशन तक ही आती है, क्योंकि इसके आगे रेलवे ट्रैक पूरा नहीं है। अभी भी सिवनी चौरे सेक्शन में महज 6 किलोमीटर के सेक्शन में रेलवे ट्रैक बिछाना बाकी है और ये 6 किलोमीटर पूरे होते ही छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडला रेल परियोजना पूरी हो जाएगी और जैसे फरवरी माह के अंत तक पूर्ण भी कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार गेज कन्वर्जन विभाग ने इस रेल मार्ग पर 90% से अधिक का कार्य कर लिया है। जल्द ही आने वाले दिनों में विभाग स्पीड ट्रायल भी करेगा। इसके बाद कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि CRS रेल मार्ग का निरीक्षण करेंगे। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च माह में चौरे से सिवनी भोमा तक बने रेल मार्ग का CRS निरीक्षण भी किया जा सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।